सामने गाइस, तो गाइस आज मैं ये लेके आ गया हूँ डब्बा, स्पीकर का डब्बा। तो इस डब्बे को मैं बजाऊंगा। तो ये डब्बा मैंने कबाड़े से लिया है। कबाड़े से लेने के बाद ये देखेंगे इसके अंदर कुछ भी नहीं है, सब सर्किट वर्किट इसका सब निकाल के फेंका हुआ है। तो इसके अंदर हम सर्किट भी लगाएंगे और इसको बनाएंगे। तो अभी हम डब्बे को एक साइड पर कर लेते हैं, मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ मैं इसे बनाऊँगा किस चीज़ से। इसे मैं बनाऊँगा पाम 8430 की आईसी जो है बासानी मार्केट से आपको 20-30 रुपए की मिल जाएगी। तो आप ये ले लें, एक पाम की आईसी ले लें और एम्पलीफायर होता है ये। 8430 की आईसी है ना, ये हमारे बहुत काम की आईसी है। तो गाइज ये हमारे 5 वोल्ट के ऊपर ना हमारे को ज़बरदस्त किस्म का साउंड दे देता है, एक रूम हमारा आराम से कवर हो जाता है छोटा सा। तो ये घर की यूसी में बहुत ज़बरदस्त काम आती है। आप 5 वोल्ट यूएसबी से ले लें, लैपटॉप में लगा लें, किसी एलसीडी में लगा लें। LCD के अंदर आप अपनी USB लगाएंगे और फिर इसकी इनपुट की पिन आप लगाएंगे अपने LCD के अंदर या लैपटॉप के अंदर, और पावर आपको कहीं और से देने की जरूरत नहीं। लैपटॉप जैसे आप ट्रैवल कर रहे हैं तो आप लैपटॉप के साथ ही से लेके घूम सकते हैं। एक ऑक्स पिन ले लें और फिर इसके बाद आपको एक USB केबल चाहिए होगी। ये मैंने USB केबल आपको किसी भी एंड्रॉयड पुराने मोबाइल का केबल ले लें और उसे काट लें, और या फिर कोई किसी भी USB कोई सी भी केबल आप उठा लें, बस इसमें एक USB पोर्ट होनी चाहिए। तो मैंने एक माउस का पुराना केबल काट लिया है, ये मेरे पास पहले से ही ख़राब माउस और कीबोर्ड बहुत सारे पड़े होते हैं। तो बस सिर्फ इन 3 चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी और हमें किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। साफ करने के बाद मैं अब इस डब्बे को खोल लूँगा और इन स्पीकर को बाहर निकाल के आपको पहले हम इसके कनेक्शन करके चेक कराते हैं। तो गाइज़ ये देखें, यहाँ लिखा हुआ है 4 ओम्स और 5 वाट। तो 4 ओम्स और 5 वाट जो लिखा हुआ है ना, तो ये हमारे पाम 8430 की आईसी के लिए बेस्ट स्पीकर हैं। तो 4 ओम्स तक के स्पीकर इस पर आप लगाएं, 5 ओम्स के भी लगा सकते हैं, 6 ओम्स के भी लगा सकते हैं, बट आप ये 4 ओम्स इसके लिए अच्छे हैं। तो हमने हमने इन स्पीकर्स को इसके साथ कनेक्ट कर देना है। कैसे कनेक्ट करेंगे, तो यहाँ पर देखें PAM 8430 को जब आप उठाएंगे आपको साफ नज़र आ जाएगा यहाँ पे स्पीकर की जो आउट लिखी है ना, यहाँ पे लिखा हुआ आउट, यहाँ पे आउट लिखी हुई है। आप यहाँ पे एक तरफ लेफ्ट स्पीकर कनेक्ट कर देंगे और एक तरफ राइट स्पीकर कनेक्ट कर देंगे, बहुत सिंपल है। चलिए फिर से खोल सकते हैं। इसके लिए हमें चाहिए होंगे 2 स्पीकर। स्पीकर हमारे पास होने चाहिए 4 ओम्स एंड 5 वाट। 5 वाट जो भी आपके पास स्पीकर है वो स्पीकर सही काम करेंगे। तो गाइस हमने करना पता क्या है, हमने कुछ भी खास नहीं करना, हमने बहुत आम सा काम करना है। 2 स्पीकर ले लेने, आपने दोनों स्पीकर्स को आपने एक तरफ रखना है, एक साइड में। स्पीकर्स को आपने इस तरह रखने के बाद जब भी आप स्पीकर न्यू रख लेंगे आईसी के बराबर में रख लेने, आपने देखना है कि आपके स्पीकर की पॉजिटिव कौन सी और नेगेटिव कौन सी। पॉजिटिव नेगेटिव के बगैर भी आप उल्टा सुलटा करके लगा देंगे, पॉजिटिव की जगह नेगेटिव, नेगेटिव की जगह पॉजिटिव स्पीकर्स में, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, साउंड तो आएगा। बट साउंड का अगर आपको मज़ा चाहिए ना, तो आपने पॉजिटिव नेगेटिव का ध्यान रखना है। लेकिन स्पीकर्स में हमेशा पॉजिटिव और नेगेटिव लिखी हुई होती है, कहाँ कहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव लिखी हुई है, और बस आपने यहाँ पर ध्यान रखना है। देखें मैं भी पाम 8430 के एम्पलीफायर आईसी के अंदर भी आपको पॉजिटिव और नेगेटिव मिल जाएगा। आपने यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव का ध्यान रख के इसमें सोल्ड कर देना है। तो गाइज मैंने इसे अच्छी तरह से सोल्ड कर लिया है पॉजिटिव नेगेटिव का ध्यान रखते हुए। जो स्पीकर की पॉजिटिव थी वो मैंने एम्पलीफायर आईसी के पॉजिटिव में लगाई, नेगेटिव थी वो नेगेटिव में लगाई। इसकी पॉजिटिव भी मैंने ऐसे ही लगाई है और नेगेटिव भी मैंने ऐसे ही लगाई है। अब हमने करना ये, हमने एक सिंपल सी पिन ले लेनी है, एक स्टूडियो पिन ले लेंगे हम। स्टूडियो पिन लेने के बाद हमने स्टूडियो पिन के कनेक्शन कैसे भी नहीं करने, हमने सिंपली एक, बल्कि आप एक काम करें, पिन हम बाद में लगाएंगे, पहले हम कनेक्शन कर लेते हैं इसके इनपुट के, जो इसमें इनपुट जाएगी। ठीक है, इनपुट के कनेक्शन करना बहुत सिंपल है। सिंपली आप पहले इस साइड पे इसके एम्पलीफायर आईसी के ऊपर कनेक्शन कर लें। 3 तारें हमारी इस्तेमाल होंगी, लेफ्ट राइट एंड ग्राउंड, लेफ्ट स्पीकर राइट स्पीकर, लेफ्ट स्पीकर एंड ग्राउंड, इन तीनों चीज़ों की आप कनेक्शन कर देंगे। यही 3 कनेक्शन इस एम्पलीफायर आईसी के अंदर होते हैं। अच्छा जी, करना यह है कि हमने इसको यहाँ से केबल को एक साइड से छील लेना है, इसमें से हमने
तीन वायर निकाल लेते हैं। ये यूएसबी केबल है, यूएसबी केबल के अंदर चार से पांच वायर होते हैं, 1, 2, 3 और 4। दो डेटा की होंगी, डेटा की पॉजिटिव एंड नेगेटिव, और पावर की पॉजिटिव एंड नेगेटिव, और इसके अलावा एक ग्राउंड चली हुई होती है अगर अच्छी वाली केबल होती है, जो क्यू कोड और माउस ब्रांडेड जो आते हैं उनके अंदर अच्छी वाली केबल होती है, उसके अंदर जो है ना उसके अंदर ग्राउंड चली होती है। तो इसी तरह से यकीन पांच वायर निकलेंगे, मैं आपको दिखाता हूँ कैसी। गाइस यहाँ पे मैंने इसको छिल लिया, छिलने के बाद मैंने इसको करना ये है कि मैंने इसको एक तार को मैंने कट कर लिया, ब्लैक वाली एक जो वायर है ना छोटी सी यहाँ पे नीचे की तरफ नज़र आ रही है, मैंने इसे कट कर लिया। अब इसके अलावा एक जो ग्रीन कलर के ग्राउंड है ना, ग्रीन को हम एज अ ग्राउंड यूज़ करेंगे, ग्रीन को हम ग्राउंड यूज़ करेंगे। तो जो एक बेस ग्राउंड चल रही होती है, जैसे कि एक वायर इसके अंदर एक्स्ट्रा होती है जो ओपन होती है पहले से, यूएसबी केबल के अंदर एक वायर ओपन होती है, इसे हम ग्राउंड के साथ यानी इस खुली वायर के साथ जोड़ लेंगे ग्रीन वाली को, और इसे ग्राउंड कर देंगे। ये मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि हमारा ग्राउंड मजबूत हो, जितना पावरफुल ग्राउंड होगा इतना अच्छा साउंड आएगा। अब हम इसी ग्राउंड को कनेक्ट कर देंगे पाम की ग्राउंड के अंदर, पाम 8430 IC है, एम्पलीफायर IC है, इसकी हम ग्राउंड में कनेक्ट कर देंगे, और रेड वाली राइट हैंड साइड पर कनेक्ट कर देंगे, और लेफ्ट पर हम वाइट वाली कनेक्ट कर देंगे। तो गाइस यहाँ के कनेक्शन हमारे कम्प्लीट हो जाएंगे। तो गाइस यहाँ देखिए मैंने ये सारे कनेक्शन कर लिए हैं, और ये देखिए मैंने इस ग्राउंड के ऊपर जो ओपन वायर थी ना, थोड़ा सा इसे ऊपर कर लेता हूँ, ग्राउंड के ऊपर जो ओपन वायर थी जो एक ग्राउंड के साथ मैंने जोड़ी थी वायर, तो उस वायर को मैंने थोड़ा सा इसको पैक कर लिया, ताकि ये जो है ना ताकि ये दूसरी वायर के साथ कनेक्ट ना हो, शॉर्ट ना हो, इसकी वजह से कोई नुकसान ना हो। अच्छा, इसके बाद सिंपल आपने कुछ नहीं करना, आपने अपना एक यूएसबी केबल लेना है, यूएसबी केबल को आपने चेक कर लेना है कि आपकी यूएसबी केबल में पावर कहाँ आ रही है। यूएसबी केबल की अभी मैंने आपको बताया कि मैंने एक यूएसबी केबल माउस का निकाला था, ये भी मैंने एक माउस या कीबोर्ड का यूएसबी केबल निकाला है। तो इस यूएसबी केबल को मैंने खोल लिया, खोलने के बाद अभी मैं इसको हटा देता हूँ आपको फिर समझ में आएगा। यूएसबी केबल को खोलने के बाद मैंने इस यूएसबी केबल को लगा देना है चार्जर के अंदर, तो मैंने इसको लगा दिया चार्जर के अंदर, और इसके दूसरे सिरे पे मेरे को मिलेगी चार वायरें, इन चार वायर्स के अंदर आएंगे पॉजिटिव और नेगेटिव वोल्ट। पहले मैं इसको ना सही से छिल लेता हूँ, ये वायर बिल्कुल ही अजीब सा लग रहा है मुझे, इस वायर को मैंने सही से छिल लेना है, और छिलने के बाद मैं करूँगा कुछ यूँ कि मैंने इसमें वायर को मैंने छिल लिया, छिलने के बाद मैंने उसे ओपन कर लिया। अच्छा, इसके अंदर ज़्यादातर जो कॉमनली होते हैं ना, कॉमन जो होते हैं वो कनेक्शन ये होते हैं कि ये वाली होती है, इसमें दो ग्राउंड होती है, नंबर वन तो ब्लैक ग्राउंड होती है, और एक ये जो ओपन होती है ना ये भी ग्राउंड होती है, दो ग्राउंड होती हैं। इसी वजह से मैंने वहाँ पर पाम के अंदर दोनों ग्राउंड को एक साथ जोड़ दिया ताकि मेरा केबल के अंदर ग्राउंड मजबूत आए। तो ये देखें यहाँ पर भी मेरे पास एक ये है ग्राउंड और एक ब्लैक वाली ग्राउंड है, तो आपने ब्लैक वाली ग्राउंड को भी निकाल लेना है और रेड वाली को भी निकाल लेना, बाकी इन दोनों को मैं काट देता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो, क्योंकि ये डेटा के कनेक्शन होता है। अब मैंने इसको यहाँ लगा दिया, यहाँ लगाने के बाद मैं इसे बोर्ड में लगा दूंगा, बोर्ड में लगाने के बाद मैं यहाँ पर चेक करूँगा मेरे पास मीटर से वोल्टेजेस कितने आ रहे हैं। तो गाइस मैंने इसको थोड़ा सा छिल लेना है, ओह ये तो कट ही गया, और ये वाली ग्राउंड मैं इसके साथ जोड़ दूंगा। ग्राउंड को डबल करने का मकसद सिर्फ एक ही है कि ग्राउंड हमारे पास मजबूत है, जितना अच्छा ग्राउंड होगा उतने अच्छे वोल्टेजेस आएगा। तो गाइस अब मैं इसको लगाऊंगा बिजली के बोर्ड में, 220 में चार्जर को मैंने अपने लगा दिया, जैसे ही मैं 220 में चार्जर को लगाऊंगा तो मेरे यहाँ पर इन जगहों पे ब्लैक में माइनस वोल्ट आएंगे और रेड में पॉजिटिव वोल्ट आएंगे। तो ये मैं आपको शो करा देता हूँ, DC 20 में मैंने अपने मीटर को सेट किया, फिर DC 20 में मेरा मीटर सेट हो गया, और मैंने DC 20 पे यहाँ रखा मीटर को, और मैं रखता हूँ ब्लैक वाली ग्राउंड को ब्लैक पे और रेड को रेड पे। तो यहाँ देखें गाइस 4.902, 903,
वोल्टेज, यानी कि 5 वोल्टेजेस आ रहे हैं, बाकी केबल का भी डिस्टेंस है, इसकी वजह से थोड़े से वोल्टेजेस कम हो रहे हैं, या हो सकता है मेरा चार्जर थोड़ा सा कमज़ोर, मतलब अप्रॉक्सीमेट हमारे पास 5 वोल्टेजेस आ रहे हैं। तो मैंने सिंपली कुछ भी नहीं करना, मैंने इस केबल के उठा कर यहाँ पर कनेक्ट कर देना। अभी इसे चार्जर से को बाहर निकाल लूँगा ताकि इसके अंदर वोल्टेजेस ना आए। मैंने सिंपली इसके अंदर पाम 8430 के अंदर इसको कनेक्ट कर देना है। पॉजिटिव, इसकी पॉजिटिव पावर की साइड में यहाँ पे लिखा हुआ होता है पाम 8430 के अंदर, यहाँ पर नीचे की साइड में जहाँ पे आप इनपुट कनेक्शन दे रहे होते हैं वहाँ पे लिखा हुआ होता है 5 वोल्ट पॉजिटिव एंड नेगेटिव। बस आपने इसके अंदर कनेक्शन कर देना है, पॉजिटिव में पॉजिटिव लगाते हैं, नेगेटिव में नेगेटिव लगाते हैं, कोई रॉकेट साइंस काम नहीं है, बहुत सिंपल है, ज़रा सा समझेंगे सब आसान हो जाएगा। अब आप इसे यहाँ पे कनेक्ट कर लें, मैं कनेक्ट करने के लिए जा रहा हूँ। तो गाइज़ यहाँ पर मेरा ये कनेक्शन भी हो गया, मैंने यूएसबी के अंदर इसको लगा दिया है और यूएसबी की पिन यहाँ लगा दी है। ब्लैक वाली को मैंने वापस से स्लीप से कवर किया है ताकि ये पॉजिटिव के साथ टच ना हो। बस ये हो गए हमारे पाम के 8430 पाम 8430 के सारे कनेक्शन। जस्ट अब इसमें हमें कुछ भी नहीं करना, अब हमने सिर्फ और सिर्फ इसके अंदर यहाँ पे एक स्टीरियो पिन लगा देनी है और कंप्यूटर में लगा के, लैपटॉप में लगा के, या किसी भी इनपुट केबल वाले डिवाइस में लगा के साउंड ले लेना है। तो बहुत ज़बरदस्त साउंड आने वाला है गाइस, जुड़े रहे मेरे साथ। गाइस कोई रॉकेट साइंस काम नहीं है, गाइस कोई रॉकेट साइंस काम नहीं है, करना है सिर्फ यही है कि आपने पाम 8430 को की लेफ्ट राइट एंड ग्राउंड को देखना है और इसकी लेफ्ट राइट एंड ग्राउंड को देखना है। नहीं समझ में आ रहा तो मैं इसकी स्क्रीन पे शो करा देता हूँ। इस पिन की लेफ्ट राइट एंड ग्राउंड है और पाम 8430 की लेफ्ट राइट एंड ग्राउंड पे आप कनेक्शन कर चुके हैं, आपको कलर नज़र आ रहे होंगे, वरना बोर्ड के ऊपर लिखा हुआ है वही लेफ़्ट राइट एंड ग्राउंड देखते हुए आपने यहाँ पे सोल्ड कर देना और कुछ नहीं करना, सिर्फ इसे सोल्ड करेंगे, आपके कनेक्शन तैयार है, इसे लगाएं और बजाना शुरू कर दें, लैपटॉप में लगाएं, कहीं भी लगाएं। तो गाइस कुछ लोगों का अभी भी समझ में नहीं आया होगा मैंने क्या समझाया, तो मैं आपको सबसे आसान कर देता हूँ। ये देखें, ये आपने पिन पकड़ी सीधी ऊपर की तरफ करके, जो आपकी आंखों के सामने ना लेफ्ट साइड पे, ये वाली, ये लेफ्ट स्पीकर के कनेक्शन है, जो आपके राइट हैंड साइड पे वो राइट स्पीकर के कनेक्शन है, और जो आपके नीचे है वो ग्राउंड है। तो ये जो ग्राउंड है ना, आपने ग्राउंड में कनेक्ट कर दी है, लेफ्ट वाली लेफ्ट में कनेक्ट कर दी है और राइट वाली राइट में सोल्ड कर दी। तो वह जब ये बिल्कुल बजने के लिए तैयार हो गए हैं तो अब हम इन्हें कर देते हैं सीधा। सीधा करने के बाद मैंने यूँ करके रख दिया, रखने के बाद मैंने अपनी यूएसबी पिन मैंने चार्जर में लगा दी या लैपटॉप में लगा दी। लैपटॉप में लगाने के बाद, लैपटॉप में लगा दें चार्जर में लगा दें, डोंट वरी, कोई मसला नहीं है, आपने कोई टेंशन नहीं लेना। बस इसकी जो ऑक्स पिन है ना वो देखें, यहाँ पर ग्रिड बन रही है, तो इस ऑक्स पिन को आपने अपने कंप्यूटर के अंदर लगा देना या लैपटॉप में, कहीं भी लगा दें, या हेडफोन में लगा दें, या मोबाइल में लगा दें, आपकी मर्ज़ी है। तो ये लग गया इसके अंदर, अब हम इसे चलाएंगे, इसे बेहतरीन चल रहे हैं और मैंने इसे बजा के आपको आवाज़ भी सुना देनी है थोड़ी सी। तो गाइस कोई रॉकेट साइंस काम नहीं है, बहुत आसानी से आप बना सकते हैं, कुछ भी नहीं है, बस ये छोटी सी एक आईसी है, बहुत ज़बरदस्त साउंड है, आराम से रूम में आप सुन सकते हैं। तो मैं तो कहूँगा भाई ट्राई ज़रूर करें, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर ना जाइएगा अपना बहुत